आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुमने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं, कुछ अपनों से तो कुछ परायों से। जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है, गलत किया है, वो इस दुनिया में भले ही जी जाएगा, लेकिन उस परमात्मा के, उस ईश्वर के दरबार में वो कभी नहीं जीत सकेगा। वहाँ वो हार ही जाएगा जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ गलत करा है, गलत चाहा है तुम्हारा। वहाँ सबके कर्मों का इंसाफ होता है, इसलिए तुमने कभी किसी को कोई जवाब नहीं देना है। वो मालिक अपने आप तुम्हारा इंसाफ करेगा, क्योंकि वक्त किसी का भी मित्र नहीं होता। आज उसका अच्छा चल रहा है तो कल तुम्हारा भी ज़रूर अच्छा आएगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसको उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। इंसान को किसी का गलत उतना ही करना चाहिए जितना कि वह खुद सह सके। तो इसलिए कभी भी किसी का बुरा ना करो, क्योंकि कोई अगर तुम्हारा आज गलत कर रहा है तो वो यकीनन कल उसके साथ भी गलत होगा ही होगा। हमेशा सुबह उठकर हमें ये ही दुआ मांगनी चाहिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, मेरे मुख से कभी किसी की बुराई ना निकले। मुझे दौलत पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे मेहनत करना सिखा, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊँ, नेक काम करूँ। जब काम करोगे तो दौलत अपने आप तुम्हारे पास आएगी, पैसा आएगा। मन साफ रखकर जो भी काम करोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बहुत अच्छी अदालत है उस मालिक की, फिक्र बिल्कुल मत किया करो। अगर आज तुम बुरा समय देख रहे हो या कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तो तुम उसे जवाब दो या ना दो, वो परमात्मा ने तुम्हारा जवाब उसे देना ही देना है। जिनका कोई नहीं होता है, उसका परमात्मा होता है, और वो तेरे आखिरी दम तक तेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जिस किसी ने भी भगवान के लिए ज़िंदगी में वक्त निकाल लिया, जीते जी जिसने भगवान के लिए समय निकाल लिया, जिसने हमें जन्म दिया है, तो चिंता मत करना, जब वक्त आएगा ना, तो वो ईश्वर भी तुम्हारे लिए दौड़ा दौड़ा चला आएगा, वो मालिक भी तुम्हारे लिए समय ज़रूर निकालेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।